दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर एलईडी लाइट इनेबल कर सकते हो एंड इस एलईडी लाइट को अप्लाई करने के बाद आपके फ़ोन की डिस्प्ले काफ़ी अमेजिंग एंड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। यहां पर इसके लिए आपको एक अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा एंड यहां पर गाइस काफ़ी लोगों का सवाल ये भी है कि अगर अलग से कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो क्या इससे हमारी बैटरी पर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर गाइस काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद हम इस एप्लीकेशन को आपके सामने लेकर आ रहे हैं एंड इस एप्लीकेशन की खास बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पर ये एप्लीकेशन बिल्कुल कम साइज़ का एप्लीकेशन है और साथ ही ये आपकी बैटरी पर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं डालने वाला है। तो चलिए गाइस जल्दी से जान लेते हैं आप अपने फ़ोन की डिस्प्ले को कैसे काफ़ी खूबसूरत बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं टेक की जिद यूट्यूब चैनल। गाइस अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ताकि आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए गाइस आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको चलना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आने के बाद गाइस यहाँ पर आपको सर्च करना है एलईडी लाइट। यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे यहाँ पर आपको सामने कई सारे एप्लीकेशंस यहाँ पर आ जाएंगे। आपको सबसे पहले एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम आप पढ़ सकते हैं, एज लाइटिंग कलर्स राउंड कलर्स गैलेक्सी। ओके गाइस, यहाँ पर इस एप्लीकेशन का साइज़ की अगर बात करें तो लगभग 5 MB का ये एप्लीकेशन, जिसे लगभग 10 मिलियन लोगों ने डाउनलोड भी किया हुआ है। काफ़ी बेहतरीन एप्लीकेशन है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सीधा आपको इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलते रहें। तो फाइनली गाइज एप्लीकेशन यहां पर डाउनलोड हो चुका है, चलिए इसे ओपन करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं गाइज एप्लीकेशन ओपन होने के बाद गाइज आपको कुछ इस तरीके से इस एप्लीकेशन में इंटरफेस मिल जाता है। यहां पर गाइज हो सकता है पहली बार जब आप इसे एप्लीकेशन को ओपन करो तो कुछ परमिशन मांगे, लेकिन यहां पर ज़्यादा परमिशन नहीं मांगेगा। तो जो भी परमिशन आपसे मांगे आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं यहां पर आपको होम का बटन मिल जाता है और थीम का बटन मिल जाता है और सेटिंग्स का बटन मिल जाता है। तो आप इस एप्लीकेशन में कैसे सेटिंग्स करेंगे वो मैं आपको वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को गाइज ध्यान से देखना। इसके लिए गाइज आपको सबसे पहले यहाँ पर होम पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर गाइज आपको एक थीम का नाम क्रिएट करना है। तो यहाँ पर गाइज मैं आपको एक थीम क्रिएट करके दिखाने वाला हूं। तो यहां पर हमने थीम क्रिएट कर लिया, थीम AK। ओके गाइज यहां पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको एड्स देखने को मिल सकता है, तो आपको एड्स को इग्नोर कर देना है। जैसे ही गाइज आप कोई थीम क्रिएट कर लोगे उसके बाद अगला स्टेप यहां पर कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। यहां पर गाइज आप डिस्प्ले कलर्स के यहां पर राउंड सर्कल में आप कैसे आइकन्स को यहां पर चुनना चाहते हैं वो यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर मैं डिफ़ॉल्ट यहां पर आपको दे सकती हूं, यहां पर हार्ट का जो है सिंबल यहाँ पर सिलेक्टेड रहता है, लेकिन आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे जैसे चेंजेस करते जाएंगे यहाँ पर देख सकते हो डिस्प्ले की जो एलईडी लाइट है उस पर भी डिज़ाइन यहाँ पर चेंज होते जाएंगे और ये जो शेप्स हैं वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर देखने को मिलते रहेंगे। यहाँ पर देख सकते हो चेंजेस होते जा रहे हैं। इसके बाद नीचे आप और भी ऑप्शंस देख सकते हो, डिज़ाइन, इफेक्ट और बॉर्डर। यहाँ पर आप देख सकते हो जब आप इफेक्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपने जो है एलईडी लाइट में कितने और कौन कौन से कलर्स को देखना पसंद करते हैं वो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको सीधा क्रिएट पर बटन पर क्लिक कर देना है और आपका जो चेंजेस हैं वो सेव हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं बॉर्डर पर। तो आपको यहाँ पर अपनी जो डिस्प्ले पर किस तरीके का बॉर्डर चाहिए, नॉच लाइट आपके स्मार्टफोन में कैसा है उसके तरीके से यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कुछ ऐसा है, लेकिन जब आप इसे सिलेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर लाइनिंग जो है क्रॉस हो चुका है। एंड इसी तरीके से आप यहां पर नॉच लाइट भी देख सकते हो, काफ़ी तरीके से यहां पर चेंजेस कर सकते हो। अब आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे जाना है एंड यहां पर आने के बाद गाइज यहां पर आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है, इनेबल ओवरले अदर एप्स। ओके गाइज, इससे होगा क्या गाइज, ये जब भी आप कोई दूसरा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होंगे तब भी ये जो है डिस्प्ले कलर्स आपको देखने को मिलता रहेगा। तो इसे सबसे पहले सेटिंग्स में जाकर आपको अलाउ कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं गाइज ये जो एलईडी लाइट है वो मेरे स्मार्टफोन में यहाँ पर इनेबल हो चुका है। ठीक आपको भी ऐसे ही करना है एंड इस तरीके से जो है आप इस थीम को क्रिएट करने के बाद अपने स्मार्टफोन पर अप्लाई कर सकते हो। देखने में गाइज आपका जो डिस्प्ले है कलर है वो काफ़ी अमेजिंग लगेगा एंड यहाँ पर जो आप बॉर्डर देख रहे हो इसका जो है मोटाई आप बढ़ा सकते हो और भी अच्छा लगेगा देखने में।
तो इस तरीके से गाइज आप अपने स्मार्टफोन की डिस्प्ले को काफ़ी अमेजिंग लुक दे सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो, देखने में गाइज आपका जो LED लाइट है वो अभी भी यहाँ पर, जब आप बाहर किसी एप्लीकेशन पर काम कर रहे होंगे तब भी ये डिस्प्ले पर ओवरले करता रहेगा और आपको देखने में जो है काफ़ी अमेजिंग लगेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से गाइज आप इस एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन में यूज़ कर सकते हो। बाकी गाइज वीडियो में चलते चलते आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा, आपका स्मार्टफोन कौन सा है वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना और अपने स्मार्टफोन का पूरा नाम लिखकर हमें कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर अगर नए हो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलते रहें।